हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। और आज हम इस चैनल पर लेकर आए हैं हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड साइंस रे का आपका एक टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों को हम किरण आरेख द्वारा पूरा फिगर सहित और पूरे स्नेल का नियम और प्रकाश का परावर्तन के नियम सभी को पूरा हम बता देंगे, जो हाई स्कूल इंटर परीक्षा में आपको मिलेगा और कहीं पर भी आपको मिलेगा। वो आज कन्फ्यूजन समाप्त कर देंगे जो आपको प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में होता होगा। तो आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर देखिए, अगर आप जानते हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हाई स्कूल और इंटर तक तैयारी कराना चाहते हैं 5 से लेकर 12 तक, तो आप हमारे चैनल से जुड़ा सकते हैं अपने किसी भी बच्चे के लिए। और मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो भी डालते हैं जो एक स्टूडेंट को ज़रूरी होता है, जो एक लड़के के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक, प्रकाश का परावर्तन आ जाए आपका, ठीक। प्रकाश होता है, आप जहाँ समझते हैं प्रकाश, आपकी प्रकाश होती है, प्रकाश से आपकी किरणें निकलती हैं, प्रकाश से किरणें, ये प्रकाश की किरणें अगर इधर से आके इस टकरा कर कहीं, तो ये प्रकाश का परावर्तन, अगर प्रकाश की किरण इधर पार हो गई तो ये अपवर्तन है। तो कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर, प्रकाश की परावर्तन होने की कोई सतह होनी चाहिए, कोई तल होना चाहिए, तो तल पर टकरा कर पुनः उसी वो माध्यम में चली जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और अगर एक माध्यम से प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है यानी पार हो जाए, तो वो आपका प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में आर पार हो जाती है, परावर्तन में पर ऊपर, उसी पर फिर वापस लौट आती है। तो दोनों को हम बताते हैं कि करके परावर्तन को पहले बताते हैं। तो यह है प्रकाश का, यह है एक तल, ठीक, यह है आपका तल, सतह जिसको बोलते हैं, यह है आपका सतह, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर टकरा गई तो ये इधर निकल गई, ठीक। यहाँ पर जो टकराई तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, ठीक, यहाँ पर बिंदु हो गया। ध्यान में रखिएगा, एक सतह है और किरण आ रही है, क्या आ रही है, किरण। तो जो आने वाली किरण होगी, आने वाली किरण को आप आपतित किरण कह सकते, एकदम इजी तरीके से आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पर जहाँ टकराई, आपतित आपतित आप आपतित किरण है, कहाँ पर किस बिंदु पर आ रही है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। आपतित किरण कहाँ किस बिंदु पर टकराएगी, आपतन बिंदु पर, यानी जिस तल पर जहाँ टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर टकरा कर क्या होगा, उसका क्या हो, ऊपर चली जा रही फिर उधर चली जा रही, तो ऊपर पर ऊपर आ रही तो परावर्तन, इसको हम परिभाषित कर देंगे, तो परावर्तन क्रिया हो गई तो परावर्तित किरण। ये हो गई आपका परावर्तित किरण। यहाँ आपतन बिंदु, जो बिंदु पर से एक लंब होगा, एक लंब होगा, इसे आप अभिलंब बोल सकते हैं, आप मैथ में पढ़े होंगे इस तरह से लंब होता है, तो देखिए इसी तरह से लंब बन गया है यहाँ पर, इसको लंब बोलते हैं। तो ये आपका अभिलंब हो गया, पूरा फिगर बन गया है। अब इसमें कोण होते हैं, देखिए इसमें बीच बीच में कोण होता है, यहाँ पर जितना कोण इधर है उतना कोण इधर, क्योंकि जितने अंश पर वो आई है उतने ही एंगल पर वो उधर परावर्तन होगा। तो आपतित किरण के बीच में आपका आई बनेगा जिसका नाम होगा आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण के बीच में तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एकदम इजी तरीके से हो गया, इसको आर बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक।
इंसिडेंट ये हो गया आपका, ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो आपका ये अपौर देखिए एकदम इसी तरीके से, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा कर किसी माध्यम में, मतलब किसी सतह से किसी समतल तल पर किसी तल पर टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको फिगर बनाने के लिए नाम भूल जाते होंगे, तो आने वाली किरण आ से आपतित किरण, आपतित किरण कहाँ पर मिलेगी, आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु से जो एक आपतन बिंदु से जब टकरा कर क्या कौन सी क्रिया हो रही है, परावर्तन क्रिया हो रही है, तब पर आप तो परावर्तित किरण बन जाएगी। तो इसके आपतन बिंदु पर जो होगा वो अभिलंब सभी आ से है, ठीक। अब इसको हम नाम देंगे, नाम कैसे देंगे, और ये आपतन कोण आपतित किरण के बीच में, आपतन कोण परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण। तो इसके नियम नियम पहला नियम क्या है देखिए, आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर कौन कौन से आपतित किरण, देखिए आपतन बिंदु पर क्या आपतित किरण, आपतित किरण और आपका आपतित किरण यहाँ पर अभिलंब, अभिलंब और ये कौन सा है कि अगली लकीर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हमारा यह है देखिए, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर यह है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या है एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया एकदम इजी तरीके से, फिगर में आपको दिखाई दे ये लकीर और ये पाई, ये पाई, तीनों आपकी तीनों जो लाइनें हैं तीनों एक ही तल पर हैं। अब की बार आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसमें हम प्रकाश का परावर्तन समझ गए, प्रकाश का परावर्तन की जो होते हैं वो आपका प्रकाश की किरण वापस उधर उसी आप अवस्था में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक, वो भी इजी है। तो प्रकाश का अपवर्तन चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्या हैं, दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, यह प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भी उसी तरह है, परावर्तन ऊपर जिधर से आई उधर से प्रकाश की किरण वापस लौट गई, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे कि हम अभी यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, ठीक,
और वो प्रकाश किरण पानी है, पानी में प्रवेश करेगी तो किसी दूसरे माध्यम हो गया, वायु है यहाँ पर वायु माध्यम हो गया, पानी में गई तो पानी माध्यम हो गया, तो वो अपने मार्ग से भी वो प्रकाश किरण सीधा ना जा करके कुछ मुड़ जाएगी, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे कि इधर जो माध्यम है ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये इधर वाला माध्यम, ठीक, और ये इधर वाला माध्यम है विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक। विरल माध्यम आपका वायु है और सघन माध्यम आपका जल है, पानी, ठीक, दोनों माध्यम। तो इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें भी अभिलंब होगा। देखिए प्रकाश की किरण इधर आई यहाँ पर, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु यहाँ से जो टकराई तो ये आर पार होना है, क्योंकि ये सतह जो है पारदर्शी होगा, पारदर्शी माध्यम पे, वो पारदर्शी माध्यम नहीं होगा, वापस जाएगी तो आपका पारदर्शी नहीं होगा। तो इसमें आपकी प्रकाश किरण जहाँ पे टकराएगी आपतन बिंदु हो गया, वहाँ उसमें भी हुआ था, लेकिन इसमें इधर ना जा कर के इधर आएगी, ये इधर आना है, देखिए ये इधर आना है कुछ इस तरह से, इधर आ वो आ गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ जो अभिलंब होता है, तो अभिलंब इधर भी मान लेंगे, ठीक, दोनों तरफ ये आपका अभिलंब हो गया, ये पूरा अभिलंब है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पर आपतन बिंदु। ये आने वाली किरण को उसमें क्या बोले थे, आपतित किरण, वही चीज़ है, आपतित किरण हो गई। तो उसमें परावर्तन क्रिया हुआ था तो परावर्तित किरण, लेकिन इसमें अपवर्तन क्रिया हुआ है तो अपवर्तित किरण। तो देखिए इसको इधर आना चाहिए, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो विरल का मतलब सरल, थोड़ा आसान माध्यम होगा, और सघन का मतलब कठिन। जब कोई सरल से कठिन आएगा तो लोड नहीं पर, जैसे एक किलो अगर है, एक किलो है, अगर वो दो किलो में लाद दिया जाएगा उसके ऊपर तो क्या होगा, वो थोड़ा झुक जाएगा। उसी तरह विरल का मतलब सरल यानी एक किलो है, सघन का मतलब उस पर दो तीन किलो लाद दिया गया तो क्या होगा, वो झुक जाएगा। तो इसकी प्रकाश की किरण ये इधर हो जाएगी थोड़ा, ठीक, ये इधर हो जाएगा, इधर प्रवेश, तो इसमें क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये हो गया आपका क्या, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये हो गया, ठीक। इसमें यहाँ अभिलंब के बीच में ये कोण आई बना, और यहाँ अभिलंब के बीच में कोण आर बना, ठीक। ये कोण और इस कोण में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका इसमें स्नेल का नियम जो होगा, ये कोण इसके कोण के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि साइन आई अपान साइन आर होता है, वो स्नेल के नियम में आएगा। तो स्नेल का नियम में आपको ये वही चीज़ होगा। तो आपतित किरण नियम में आपका क्या होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक उसी तरह। उसमें क्या हुआ था, ये और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, इसमें ये और ये कोण दोनों यन उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी यन के। तो इसमें सूत्र हो जाता है आपका, देखे होंगे, ए आई है इस तरह से, ये फिगर बन जाता है स्नेल के नियम। तो वही चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा स्नेल के नियम, ये बस अपवर्तन बताते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सरल मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उधर ना जा करके कहीं दूर हट जाएगी, तो या तो और झुक जाएगी, तो वह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। इसमें भी देखिए ये सघन माध्यम, अगर ये सघन माध्यम होता, ये विरल माध्यम होता, तो प्रकाश किरण और दूर हट जाती, थोड़ा और फैल जाती, तो आपका प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसमें आपका स्नेल के नियम में आपको लिख लीजिएगा कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण
आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, और ये अपवर्तन कोण, ये देखिए ये है आपका क्या, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये क्या है अपवर्तन कोण। ये आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है, ये अपवर्तन कोण है। तो आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। यही अपवर्तन और परावर्तन था, इसमें आप समझ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही था, इसका हम पूरे लिखे नहीं, इसमें लिख दिए, टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम साइंस और हर सब्जेक्ट संबंधी वीडियो लेकर आए, अगला वीडियो हो सकता है हम भूगोल से लेकर के आए, क्योंकि भूगोल से रिलेटेड हम बताएंगे, वो वीडियो आप देखिएगा, इतिहास भूगोल। और हम निमोनिक ट्रिक से हमने वीडियो बनाया है कि सभी राज्यों को कैसे याद करें, सभी अपने भारत के सभी राज्य को एक ही लाइन में याद कर लेंगे, एक बार कभी भूलेंगे नहीं, और उन राज्यों को अगर याद कर ले तो उनकी राजधानी कैसे याद किया, उस ट्रिक को कभी राजधानी भी नहीं भूलेंगे। वो वीडियो आपको एंट्री स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन पर आप चेक करते रहिए, सब वीडियो लास्ट में एंट्री स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और विज्ञान के कैसे छोटे छोटे भागों को जो गणित का होता है उसको कैसे हल करना है, वो सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, जाकर चैनल पर देखिए, बहुत सारी वीडियो मिलेगी। अगर मोबाइल कंप्यूटर सारी टेक्नोलॉजी वीडियो मिलेगी, जो स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, उतनी टेक्नोलॉजी हम जरूर देते रहते हैं, मोबाइल को कैसे ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर को। तो बाकी हम एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं, तो ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो में कमी हो उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बनेगा हमें टेक्नो प्लस। नमस्कार, जय हिंद।